हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम आ गया है, साथ साथ मौसम आ गया है तरह तरह के बीमारियों का। इस समय सभी के घर ड्राई फ्रूट्स या फिर मेथी के लड्डू तो बनते ही हैं। बनाने का तरीका सबका अलग है, पर मैं आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सालों साल पुरानी, मतलब 100 साल पुरानी दादी माँ और नानी माँ वाले नुस्खे वाली रेसिपी। इस लड्डू से आपके ये फायदे तो जरूर होंगे, पहला कि ये लड्डू शुगर फ्री है, दूसरा कि इस लड्डू की शेल्फ लाइफ बहुत ही ज्यादा है, घी का मैंने सही माप बताया है और चाशनी का मैंने यूज ही नहीं किया है ताकि हमारे लड्डू खराब हो जाए। तो चाशनी का दिक्कत नहीं रहेगा तो आराम से आप लड्डू बना लेंगे ताकि आपको कोई भी मेजरमेंट की दिक्कत ना हो। तो रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और उनके क्वांटिटीज भी। हमने यहाँ लिया है तेखुर का आटा, ये ग्रोसरी स्टोर पर इजीली अवेलेबल होता है और ये इतने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं कि इसके गुड़ तो मैंने कई वीडियो में गा चुके हैं। तो ये आप ले लीजिएगा 1 कप। और यहाँ पे मैंने ले लिया है 15 से 20 गुड़ के चंक्स और यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के करीब अलसी। अब ये देखिए, अलसी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है लिया है खरबूजे का बीज और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच के करीब गोंद, ये हड्डियों के लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच किशमिश और यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, साथ साथ मैंने ले लिया है यहाँ पे 1/2 कप के करीब मखाने। मखाने भी हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब अखरोट। ड्राई फ्रूट्स टोटली आपकी चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हैं और क्या कम करना चाहते हैं। पैन में कोई घी नहीं लेने वाले, पहले हम अलसी को लो फ्लेम पर भूनेंगे। इसे हम जो है 5 मिनट तक लो फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे क्योंकि ये क्या होता है ना, तुरंत उछलने लगता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान देना है कि इसे लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है। जब सोंधी सी खुशबू आ जाए देखिए तो इसे हम निकाल लेंगे। साथ साथ देखिए, कोई घी नहीं लेने वाले फिर से। अब देखिए एकदम हेल्दी बना रहे हैं तो लेस घी का यूज़ करेंगे, पर इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा टिकने वाली है। अब इसमें बादाम और काजू, इन्हें जो है ना हम चलाते हुए इसे भून लेंगे कम से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। तो बस इसे भी हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से आप लड्डू बना के देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा और बहुत दिन तक टिकेगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, मखाने ले लिया है, मखाने को भी हम बिना घी के भूनने वाले हैं। तो इसे भी ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, इसे हम क्रिस्प होने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गया है, बस इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसी पैन में मैं जा रही हूँ रोस्ट करने अखरोट और खरबूजे का बीज। तो देखिए इसे हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे इसे भी, क्योंकि क्या होगा, खरबूजे का बीज तुरंत जो है ना भून जाता है तो वो जल जाएगा अगर हाई फ्लेम करेंगे तो। तो बस क्या करेंगे, हम इसे हल्का सा भून कर कलर चेंज होने तक इसे तुरंत हम निकाल लेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे नहीं तो ये जल जाएगा। अखरोट को जब आप भून के डालें ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सोंधा सा टेस्ट आता है। तो इसे हम निकाल ले रहे हैं। देखिए अब जाके हमने लिया है 2 चम्मच के करीब घी, 2 टेबलस्पून घी लेंगे। ये देखिए, मतलब मेरा 2 बड़ा चम्मच है तो खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच घी, और इसमें गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, नहीं तो एक जगह ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, एक जगह ही वो चिपक जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को ऐड करेंगे और ये देखिए एकदम पॉपकॉर्न की तरह या कह लीजिए साबूदाने की तरह ये एकदम फूल जाएगा। तो इसे भी जो है ना हम लो फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए किस तरीके से फूल जाएगा, एकदम क्रिस्पी सा हो जाता है साबूदाने की तरह। तो इसी तरह से देखिए 2 बैचेस में मैं इसको गोंद को फ्राई करके निकाल रही हूँ, एक बार में इसे हम नहीं फ्राई करके निकालेंगे। तो देखिए 2 बैचेस में इसे फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। तो इसे कंटिन्यूअसली हम चलाते हुए इस तरीके से फ्राई करेंगे और देखिए जैसे ही तेल में जाते हैं जल्दी से ये फूलने लगते हैं। तो देखिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ये तो हड्डियों के लिए ना बेस्ट है, रामबाण इलाज कह लीजिए। तो देखिए इसे हम निकाल लिए हैं। अब क्या करने वाले हैं, इसी घी में जो है ना मैं किशमिश को फ्राई करके निकालने वाली हूँ। किशमिश को जब हम फ्राई करके डालते हैं ना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब किशमिश को आपको डालते ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको फ्लेम लो ही रखना, मतलब अब तक तो आपको लो ही फ्लेम पर काम करना है, किशमिश तुरंत फूलने लगता है तो अगर हम हाई फ्लेम पर करेंगे तो किशमिश जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए देखिए इस तरह से फूल जाए किशमिश, तो इसे भी निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे किशमिश को छोड़कर, जितने भी ड्राई फ्रूट्स अभी हमने जितने भी भुने हैं सब चीज़ें, उन्हें हम क्या करेंगे ना, इनका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है और जो मैंने आपको तीखुर का आटा दिखाया था उसको क्या करेंगे ना, वो ऐसे दाना दाना होता है, मतलब इस तरह का टेक्सचर होता है, तो उसको एकदम पीस लेंगे उस तरह से ताकि वो एकदम फाइन हो जाए, एकदम मैदे जैसा हो जाएगा। पर एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आप ग्रॉसरी स्टोर
मांगेंगी इजीली अवेलेबल मिलेगा। बचे खुचे घी में 2 चम्मच मैंने ले लिया है खसखस। 2 चम्मच खसखस को हम क्या करेंगे ना, लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे और ये देखिए तुरंत ही भून जाता है। ये देखिए 1 मिनट में ये देखिए इस तरह से फूल जाएगा। तो 1 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड कर देंगे हम हल्दी पाउडर। और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तिखोर का आटा। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको पता है कि ठंड में ये कितना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी के लिए तो बेस्ट है ये। अब क्या करेंगे ना, इसे चलाते हुए हमें 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इस तिखोर के आटे को भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो चलाते हुए ही हम भूनेंगे, नहीं तो अगर हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, एक तरफ ये जल जाएगा और एक तरफ अच्छे से नहीं भूनेगा। तो देखिए मैंने चलाते चलाते इसे 10 मिनट भूना और आप इसका कलर देखिए, ये मैं पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है। तो अब गैस को बंद कर देना है। जो गोंद था उसे हम हल्का हल्का कूटेंगे, पूरा नहीं कूटेंगे, थोड़ा सा हम इसको जो है दानेदार रखेंगे और थोड़ा सा क्रश कर देंगे, ऐसे जब मुंह में दाने आएंगे तो वो अच्छा लगेगा। यहाँ 1 कप पानी ले रहे हैं, यहाँ चाशनी नहीं बना रहे, सिर्फ गुड़ को हमें पिघालना है। तो जितना गुड़ का चंक्स था मैंने लिया था 20 से 25 गुड़ के चंक्स, उसे क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमें बस गुड़ को पिघालना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है। तो इसका आपको ध्यान देना, अगर चाशनी बनाएंगे तो हमारा जो लड्डू है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, उसका शेल्फ लाइफ नहीं रहेगा ज़्यादा दिन तक। बस इसे हम पिघाल लेंगे, मतलब इसे मेल्ट कर रहा है हमें। तो पानी भी आपने देखा मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिया, बस मैंने इतना लिया कि गुड़ पिघल जाए। तो देखिए गुड़ अच्छी तरीके से पिघल चुका है, ये देखिए। तो बस अभी हमें क्या करना है ना, गैस को बंद कर देना है। तो बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए इस आटे में हम जो है ना ड्राई फ्रूट्स के पाउडर जो हमने तैयार किए थे वो ऐड कर देंगे, गोंद क्रश किया हुआ गोंद और किशमिश ऐड कर देंगे। साथ साथ इसे अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सौंठ का पाउडर इसमें ऐड करिए, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसे डालकर मिक्स कर लेंगे, सौंठ से टेस्ट भी अच्छा आएगा। और 1 टेबलस्पून सिर्फ 1 टेबलस्पून घी ऐड करने वाले हैं एक्स्ट्रा। अब इस 1 टेबलस्पून घी को ऐड करके हम हाथों से इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे ताकि पूरे मिक्सचर में अच्छी तरीके से घी मिल जाए। घी ऐड करने से हमारे लड्डू में शाइन तो आएगा ही, इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है हम तैयार किया हुआ गुड़ का घोल वो इसमें ऐड करेंगे। हम ज़्यादा नहीं ऐड कर देंगे, हम ऐड करेंगे फिर मिलाएंगे, क्योंकि क्या होगा ना अगर हम ज़्यादा ऐड कर दिए एक ही बार में तो ये लिक्विडी सा हो जाएगा मिक्सचर, फिर हमारा लड्डू नहीं बनेगा। तो उतना ही ऐड करना है कि ये हल्का सा जो है बंधने लगे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया, अगर आपका इस तरीके से ये देखिए बंधने लगे, तो ये बंधने लगा था मेरे सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है गुड़ का मिक्सचर बच गया था, आप उसको हलवा में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, गोल गोल जो है लड्डू बना लेंगे, ये देखिए बिल्कुल ऐसा। तो इस लड्डू को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसानी से बिना चाशनी के आपका लड्डू बनके तैयार हो जाएगा। इसमें तो चाशनी वाला झंझट ही नहीं है कि आपका कोई मेजरमेंट गड़बड़ हो जाए, लड्डू ना बने। ये देखिए इस तरीके से एक और लड्डू बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से करते करते हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे लड्डू ठंड के बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये लड्डू शक्तिवर्धक लड्डू है, आपके इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। सर्दियों में शाम के टाइम चाय के साथ बस इस एक लड्डू को खा लीजिए, आपको कभी भी बीमारियां वगैरह नहीं होने वाली हैं, पूरे ठंड आप मज़े से बिता देंगे, बिल्कुल सर्दी जुखाम हड्डियों का जोड़ों का दिक्कत कुछ भी नहीं होने वाला। ये लड्डू आराम से जो है आप आसानी से बना लेंगे। इसमें जितने भी चीज़ मैंने यूज़ करे हैं उससे क्या होगा ना, वो तो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है ही, साथ साथ आपके लड्डू के शेल्फ लाइफ जो है 4 महीने तक आराम से बिना खराब हुए ये टिक जाएंगे। ऐसा लड्डू जो दे एनर्जी भरपूर और स्वस्थ रहे एकदम टनाटन। ये देखिए इस लड्डू का टेक्सचर, ये रहा इसका टेक्सचर, मतलब एकदम पौष्टिक है और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है कि आप इस लड्डू को आराम से बच्चों और बड़ों को एक एक लड्डू दूध के साथ दीजिए और इस ठंड भर जो है ना अपने इम्यूनिटी को बरकरार रखिए। तिखोर की बात जैसे कि मैंने कहा वो ईजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसके मैंने और रेसिपी शेयर किए हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए। इसी तरह के और वीडियोज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।